तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल BSVS स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो गाइज, ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, नोटिस है, और ये हमारा प्रोग्राम भी है गाइज, हमारे वैसे स्टूडेंट जो वैसे परीक्षार्थी जो है गाइज, हमारे 2025 वाले हैं गाइज, 25 वाले जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जिनका भी 25 में एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट के हो या फिर हमारे यहाँ मैट्रिक के हो, तो सबके लिए यहाँ पे नोटिस है। काफ़ी बड़ी अपडेट है आपके एग्ज़ाम का जो है, यहाँ पे कार्यक्रम जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025, और नीचे में आ जाइए गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025। ये देखो गाइज, जो भी स्टूडेंट 2025 के हो, ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2025 के हो, एनुअल एग्ज़ाम वाले 2025 के हो, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो, तो यहाँ पे सेंटअप एग्ज़ाम आपका देना ज़रूरी है। जब तक आप सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दोगे, इसमें आपको पार्टिसिपेट मतलब पास करना ज़रूरी है। अगर आप फेल कर जाओगे तो आपका जो है मेन जो है एग्ज़ाम जो है आपका, वो नहीं दे पाओगे। ध्यान देने वाली बातें हैं गाइज, आप कमर कस लो, आप ये एग्ज़ाम को हल्का मत लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, बाद में इधर उधर बीबो से फॉर्म भरते हैं, अमीर लोग उनका फॉर्म भरते हैं, ओपन बोर्ड्स वगैरह, बिहार बोर्ड एक रेगुलर हो गया, एक ओपन बोर्ड हो गया, तो ये दोनों बिहार बोर्ड ही ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो वंची आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम जो है वार्षिक परीक्षा 2025 में पेपर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कार्यक्रम, यहाँ पे देखो सैद्धांतिक विषयों की, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपका जो है देना है, और क्या देना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी का एग्ज़ाम। थ्योरी का एग्ज़ाम यहाँ पे थ्योरी का एग्ज़ाम सैद्धांतिक मतलब थ्योरी का एग्ज़ाम तो 19 से नवंबर से 22 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। तो अपने स्कूल में जा कर के ज़रूर दे करके, यहाँ पर देखो आपका जो है 19, 20 और 21, और ये 22, 19, 20, 21, 22 को आपका ये एग्ज़ाम है, तो ज़रूर से ज़रूर अपना दे करके आए। जैसे ही गाइज, मातृभाषा आपका जो है, यहाँ पे दो शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हिंदी, बंगला, जो भी आपको देना चाहते हैं। फिर विज्ञान, देखो 20 तारीख को आपके विज्ञान है, संगीत है, देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान है, सेकेंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे में देख लो, गणित भी है, यहाँ पे नीचे में नहीं ऊपर में, 21 तारीख को फिर गणित है, फिर गृह विज्ञान, अंग्रेजी, ऐच्छिक विषय जो भी है, ये इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो साफ साफ दिशा निर्देश दे दिया गया, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते तो या फेल हो जाते हैं, तो वैसे जो है स्टूडेंट को 2025 की वार्षिक परीक्षा में नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पूर्ववर्ती, कंपार्टमेंटल, एकल विषय अंग्रेजी, यहाँ पे समुन्नत कोटि के विद्यार्थी को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना है। जो फेल फाल वाले हो, कंपार्टमेंट वाले, तो वो उनको नहीं शामिल, सेंटअप एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया ना, वो तो क्रॉस लग गया, तो उनके लिए कोई ये है नहीं, ठीक है। अब 12th वाले स्टूडेंट का उसी तरह से गाइज, यहाँ पे थ्योरी का जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको कब से कब है, तो 11 से गाइज, डेट यहाँ पे जो है गाइज 11 से आपका जो है कब तक है, यहाँ पे 18 तक, देखो 11 से आपका 18 नवंबर के बीच में, अपना यहाँ पे देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। 11 को यहाँ पे देखो फिजिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई, ये तीन तीन यहाँ पे इस तरह से सब्जेक्ट है, तो अपना देख लेना। फिर 12 को हमारा मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, बहुत, तो ये अपना दो एग्ज़ाम है, दो शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना ये आसानी से देख लो और एग्ज़ाम दे करके, और थोड़ा सा मैं अच्छे छोटा छोटा करके अच्छे से स्लाइड कर लेता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, धीरे धीरे स्लाइड करके दिखा दिया मैंने। ये 12th का हो गया और ये हमारा 10th का हो गया। तो गाइज, ये हमारी बड़ी अपडेट थी, तो मैंने सोचा काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है, हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है गाइज, हम जो है आपके जो ये वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो गाइज जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड करें, जो भी स्टूडेंट है, तो इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के लिए बने रहें और तैयारी करते रहें। जो भी नई नोटिस आएगी तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ओके गाइज। ये बड़ी अपडेट है गाइज, सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दे करके आए, ठीक है गाइज, ये वाली बात है, अच्छे से तैयार होकर के जाओ, बढ़िया से दे करके जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम में ख़राब नहीं जाना चाहिए, ये एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आते हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में कितनी, ये एग्ज़ाम्स एक तरह से प्रैक्टिस
हो रहा है आपके फाइनल एग्जाम की, ठीक है ना, एक जांच होता है, मतलब तुम्हारा जो है टेस्ट लिया जा रहा है कि तुमने भर साल क्या पढ़ा है, समझ रहे हो ना। उसके बाद फाइनल एग्जाम में क्या स्कोर आएगा अभी तुम्हारा अंदाज़ा लग जाएगा, समझ गए। ये वाली बात है। हम लोगों का तो इसमें आया था 90% ऐसे मार्क्स आया, फाइनल में हमारा 85 ऐसे आया था, ठीक है। तो ये वाली बात है, उसी के आसपास जो इसमें आएगा उसी के आसपास तुम्हारे मार्क्स आएंगे, समझ गया। तो चलो गाइस, हमने आपको सारी अपडेट दे दी, सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, और उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।